स्वागत है आरोग्य जीवन पहला सुख निरोगी काया। आरोग्य जीवन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आरोग्य जीवन पहला सुख निरोगी काया की यात्रा के इस वीडियो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं जयपुर जिले के विराट नगर तहसील में अति प्राचीन विराट नगर म्यूजियम। यह म्यूजियम अति प्राचीन म्यूजियम है। यह महाभारत कालीन है। महाभारत के समय जब पांचों पांडवों को वनवास मिला था, वो वनवास इसी विराट नगर में उन्होंने व्यतीत किया था। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे पांचों पांडवों के अस्त्र शस्त्र और कुछ अति प्राचीन मूर्तियां और भी बहुत कुछ। अभी हम म्यूजियम के अंदर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, वो आपको बोर्ड पे दिखाई दिया होगा विराट नगर संग्रहालय के नाम से, और अब हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनाया गया है। यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए सख्त मनाई है। इस वीडियो को आप कृपया करके पूरा कंप्लीट देखें। इसमें आपको बहुत ही अनोखी और अति प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलेगी। राजकीय कला दीर्घा विराट नगर, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हो, ये बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो कि पांडवों के समय की व्याख्या करती हैं। इन मूर्तियों को देख के आपको लगता होगा ये बहुत ही दुर्लभ मूर्तियां हैं। अब आप देख रहे हो पाषाण उपकरण, ये उस समय की अस्त्र शस्त्र, यह पाषाण टूल, यह पाषाण उपकरण स्टोन टूल्स, जो पत्थर की सहायता से औजार बनाए गए हैं। ये औजार छिलने काटने और छेदने के काम आते हैं। ये बहुत ही नुकीले और तेज धार वाले हैं। और ये है सलेटी रंग के मिट्टी के पात्र, सलेटी रंग के धूसर एवं चित्रित मृत संस्कृति एवं ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ से लोहे का युग प्रारंभ हुआ था। इसके आगे चलते हैं। काली पॉलिश युक्त मिट्टी के पात्र जो आप देख रहे हो, लाल मिट्टी के पात्र, कुमारों द्वारा चाक पर बनाने वाले लाल मिट्टी के पात्र हैं। ये बहुत ही मजबूत और सुंदर बनाए जाते थे। इनको मजबूताई के लिए आग की भट्टी में पकाया जाता था। छवि के नीचे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। और यह है लोहे से बने औजार। इस समय कुछ लोहे के औजार भी बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुल्हाड़ी, पराती, कुदाली, रेंती, हाथ छेदन। बहुत ही पुराने औजार हैं ये सब। यह है कुमारों द्वारा बनाए हुए मिट्टी के खान पान में यूज करने वाले बर्तन, बहुत ही सुंदर आकृति के साथ बनाए हुए हैं। यह है अशोककालीन स्तूप, मिट्टी से बनाई हुई कुछ आकृतियाँ, मूर्तियाँ जो आप देख रहे हो, ये कुछ मिट्टी से बनाई हुई सामग्रियाँ आप जो देख रहे हो, तो बिल्कुल सेफ्टी से रखा गया है। कांच के अंदर रखा हुआ है, कोई टच ना कर पाए। इनके हाथ लगाना और छूना मना है। ये इनको कवर करके यहाँ म्यूजियम में सेफ्टी से रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये अति प्राचीन भगवान बुद्ध की मूर्ति भी आपको काले पत्थर से बनी हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। विराट नगर से भारत के प्राचीनतम मुद्रा हाथ के सिक्के प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। यहाँ पर हुए उत्खनन कार्य में इंडो ग्रीक सिक्के भी प्राप्त हुए। इन सिक्कों पर यूनानी तथा क्रोस्टी लिपियों में लेख अंकित किया हुआ है। कुषाणकालीन इंडो सेसनियन तथा दिल्ली सल्तनत के सिक्के भी विराट नगर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में प्राप्त हुए। अकबर के शासनकाल में विराट नगर में एक टकसाल खोली गई थी, जिसमें औरंगजेब के शासनकाल तक सिक्के डाले जाते थे। इन सिक्कों को टकसाल का नाम बेराट अंकित है। सिक्कों पर उत्कीर्ण सुलिपि उच्च कोटि की है। प्रस्तुत दीर्घा में विराट नगर से प्राप्त कुछ सिक्कों की प्रदर्शनी आपको ये सामने है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये बहुत ही पुराने जमाने के सिक्के हैं, महाभारत कालीन के और औरंगजेब के जमाने के, राजा अकबर के समय तक के सिक्के यहाँ पे मौजूद हैं। मुगल शासन काल के यहाँ पे बहुत सारे सिक्के आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये मिट्टी से बनी हुई कुछ ज्वेलरी आप देख रहे हो, मिट्टी से बनी हुई चक्री, मन के ज्वेलरी, मूर्तियाँ, औजार आपने ये देखें। तो आपको ये वीडियो और ये संग्रहालय कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस चैनल पर हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ यात्रा की वीडियो, कुछ घरेलू उपाय, आध्यात्मिक भजन कीर्तन और भारतीय संस्कृति से कुछ जुड़े हुए किस्से कहानियाँ। और आप इस चैनल पे किस तरीके की सामग्री नहीं देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके पसंद के वीडियो हम बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।